तो कैसे हो आप सब सले दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नया वीडियो के साथ जो कि है काइसेरा टक्स अल्फा 1800 प्रिंटर। और इस प्रिंटर में हमको कवरेज डाटा क्लियर करना है, तो कैसे करें चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो डैशबोर्ड पे यहाँ पे डिस्प्ले में आप लोग देख रही है एप पेपर एमपी आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे 1087 1087। तो इसको प्रेस करने के बाद मेन रिपोर्ट आ गया है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेन रिपोर्ट 00 आ गया है। तो ऊपर में हम स्क्रॉल अप करेंगे, आप लोग डाउन भी कर सकते हो और डायरेक्ट कोड भी आप लोग दबा सकते हो। तो पहले हम आप लोगों को मैन्युअली करके दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग कोड दबा देना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेन रिपोर्ट आ गया है, तो ऊपर में जाएंगे तोना रेजिया कोड और ऐसे हमको करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियर कवरेज डेटा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो U910, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे 910 प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्लियर कवरेज डाटा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ओके बटन हमको प्रेस करना पड़ेगा। ओके बटन प्रेस करने के बाद आप लोग देख लीजिए हमने प्रेस कर दिया, नो एक्शन पहले बटन में आ गया है और नीचे ऑप्शन में आ गया है एग्जीक्यूट। तो आप लोगों को एग्जीक्यूट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एग्जीक्यूट प्रेस करने के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लीट आ रहा है, फिर से कॉम्प्लीट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। क्लियर कवरेज डाटा हो गया है दोस्तों। तो अभी आप लोगों को एक बार अपना जो प्रिंटर है प्रिंटर को ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद फिर से ऑन कर देना है। तो ऐसे हमको क्या करना है, कवरेज डाटा को क्लियर करना है। काइसेरा टक्स अल्फा 1800 प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।